और क्या, अब क्या ब्लैकमेल करोगे मुझे, क्या करोगे? लेकिन अब अगर रिएक्शन चैनल से कोई ऐसी बात आती है, अगर मेरे खिलाफ कुछ भद्दा बोला जाता है, तो मैं फिर सब कुछ सच बताऊंगी। सच मतलब समझ रहे हो, सबका सच, सबका सच बताऊंगी। तो एक बात में बोलूंगा, वो बहुत क्वेश्चन उठ रहा था ना कि वो बंद कमरे वाली बात थी। बंद कमरा तो लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या था वो उस बंद कमरे में। ये दिन की बात है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे की बात है, और उस बंद कमरे में थे 4 महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं थी, और महिलाएं आपस में बातें कर रही थी जिसमें कोई जेंट्स नहीं था। ये बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा, ये तो सबसे पहले उसको बताना चाहिए था जिसके घर की बात है। बंद कमरा क्या, बंद कमरा क्या हुआ, बंद कमरे में, बंद कमरे में हमारी इज्जत उछाली जा रही थी भाई, बंद कमरे में ये हुआ। और बोलूं और बताऊं कि क्या हुआ हमारे साथ बंद कमरे में? चलो वो तो वो भी बढ़िया, और हर एक क्रिएटर के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, उस कमरे में जितने क्रिएटर थे सबकी सबकी ली गई है। क्यों बोलो, मेरा मुंह मत खुलवाना, मेरा मुंह मत खुलवाना। अगर मैंने बोला तो मैं बहुत, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो उस कमरे में बेइज्जती उस इंसान की नहीं हुई जिसका नाम आ रहा है, उस कमरे में बेइज्जती घर बुलाए बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की। कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता स्पेशल फील कैसे करवाया जाता भाई। तू प्रेग्नेंट है ना, मैं क्या करूं तेरे लिए, कैसे स्पेशल फील करूं मुझे बता, क्या करूं, चरण धो के पीऊं, क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता कैसे स्पेशल फील कराया जाता है। उसके लिए 17 बातें हमने सुनी है, हमने उसके लिए बातें सुनी है। तो मेरा मुंह मत खुलवाना कि मैं इसके आगे भी कुछ बोलूं। अरे अब नहीं, अब मत। अब अगर मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है, अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो, कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाई बहन भाई बहन ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी अभी आप लोगों ने ना एक क्लिप देखी, ये क्लिप जो है वो भले ही पुरानी है, लेकिन इस क्लिप को यहाँ लगाने का मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ यही था कि लोगों को इस औरत की असलियत जो है वो पता चलनी चाहिए, कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ठीक है, कि एक तो गलत की है चीज़ें, और लेकिन जब ये वीडियो उस वक्त की है जब सरिता जेठू और इन लोगों की कंट्रोवर्सी आपस में चल रही थी, उस वक्त की ये वीडियो क्लिप है। आप लोग देखिए कि ये औरत कितने चौड़ में और कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये औरत बोल रही है कि भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम भाई बहन हैं, भैया बोलती हूँ, भैया 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 बोलती हूँ, और हमारे यहाँ नहीं होता, भाई बहन में ऐसा गलत रिश्ता नहीं होता, तुम्हारे यहाँ होता होगा इसीलिए तुम लोग बोल रहे हो। मतलब कितनी गंदी गंदी बातें इस औरत ने बोली थी सरिता जेठू के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की गई थी और बोली गई थी। मैंने ये वीडियो अभी देखी, मैंने पुराने पुराने टाइम पे उस वक्त पे जब ये कंट्रोवर्सी थी मैंने नहीं देखी थी, लेकिन बाप रे बाप, मतलब ये देख के मेरा माथा सन्न रह गया कि एक औरत किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही थी, किस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही थी। इनकी जो फ्रेंड्स थी, चाहे वो सरिता जेठू हो, चाहे जेसिका हो, या फिर और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भाई जो अभी तक चुप होंगे, खामोश होंगे, और उन लोगों के साथ भी इस औरत ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। अच्छा, जेसिका के लिए ये उंगलियाँ उठाई जा रही हैं लोगों के द्वारा कि भाई वो इतने टाइम तक क्यों चुप थी, आज तक उसने क्यों बातें नहीं करी, और वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे भी जायज लगी, बिकॉज जेसिका ये कह रही है कि यार मैंने जिस औरत को बनाया था मैं उसी को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तो जेसिका जी, आपका ये राइट टाइम भी नहीं था, बिकॉज
इस वक्त पर उस औरत की लाइफ में वैसे ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं और ऊपर से आपने भी आकर के जो है वो भांडा फोड़ दिया, तो बहुत सारे चीजें जो हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं। तो शायद मुझे लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त आपको चुप रहना चाहिए था। आगे इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको मौका मिलता तो आप बोल सकती थी, लेकिन खैर चलिए, बहती गंगा में तो बहुत सारे हाथ धो रहे हैं, आपने भी धो लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि चलो जी, इस जैसे भी, चाहे सचिन के थ्रू हो, चाहे जेसिका के थ्रू हो, या फिर बाकी लोगों के थ्रू हो, लेकिन इस औरत की सच्चाई जो है वो पब्लिक के सामने आई तो है। लेकिन इसका जो एक बनाया करियर था, एक जो बना बनाया इसने एक दीवार खड़ी कर रखी थी अपने आगे कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं आयरन लेडी, मैं लेडी डोन, मैं फलाना, तो वो बहुत ज़्यादा गलत था। और इसका जो ये बात करने का तरीका है ना, ये मुझे बहुत एरोगेंट लगा। जैसे इसमें भी, और एक वो जो रील वीडियो एक वायरल हो रही थी जिसमें ये मनीषा को बोल रही थी, है क्या तेरे पति में, है क्या तेरे पति में, लड़कों की लाइन लगी रहती है। तो मैडम, लड़कों की लाइन लगी रहती थी तो क्यों तुमने दूसरों का घर खराब किया, तो क्यों तुम मनीषा के पति के पीछे पड़ी, और किस मुंह से, जब तुम लोगों को पता था पहले से कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है, तो पिछले साल तुमने क्या सोच के इस इंसान को शादी राखी बांधी थी, किस तरीके से भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र किया गया। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाला मुद्दा है और इस औरत की हरकतों को ध्यान देने वाला मुद्दा है कि खुद गलत होते हुए भी ये औरत दूसरों पर इल्ज़ाम डालती थी, ये दूसरों को ब्लेम करती थी कि नहीं मैं सही हूं, मैं गलत हूं, हम गलत नहीं है, हमारा भाई बहन। इन लोगों ने, जैसे कि जहां तक मुझे लगता है कि सभी क्रिएटर्स, जितने भी क्रिएटर्स हैं, सभी को इन लोगों की सच्चाई पता थी, लेकिन ये दोनों क्या करते थे, मनीषा को या फिर बाकी यूट्यूबर्स को सिर्फ और सिर्फ ये बोल के इनका मुंह बंद करवा देते थे कि भाई हम लोग तो भाई बहन हैं, तुम लोग भाई बहन के रिश्ते पर कैसे उंगलियां उठा सकते हो। सबसे बड़ा रीजन यही था कि कोई भी क्रिएटर आज तक सामने आके खुलकर नहीं बोला, और जो बोला उसकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। आप लोगों के सामने ही है सारी चीजें, है ना। तो पिछले एक साल से मनीषा भी डाउट में थी, शक में थी, लेकिन हमेशा मनीषा को ये बोल के चुप करवा दिया गया कि हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग भाई बहन हैं। बाकी क्रिएटर्स को भी, जिस को इन लोगों के ऊपर शक हुआ होगा, रात के 3-3 बजे तक कमरे में बैठे रहना, वहाँ पे जबकि पता होना चाहिए कि वहाँ पे औरतें हैं, किसी की प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो जो आदमी था उसने बिल्कुल उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। देखिए, जितनी गुनहगार ये औरत है, ठीक है, जितनी गुनहगार नेहा है, उतना ही गुनहगार जो है वो सचिन भी है। इन सारी चीज़ों के चक्कर में जिसको पीसा गया है वो है मनीषा। हम लोग ये सवाल उठा रहे थे, मनीषा अब तक क्यों नहीं बोली, शक हो रहा था तो अब तक क्यों नहीं बोली, अपने पति को उसमें मुट्ठी में रखती, लेकिन इसके पति ने और इस मैडम ने हमेशा मनीषा को ये बोल के चुप करवा दिया गया कि हम लोग तो भाई बहन हैं, तुम लोग भाई बहन के रिश्ते पर उंगलियाँ उठा रहे हो, राखी भी बांधी थी, सारी चीज़ें करी थी। तो ये था सारा मैटर। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।